नमस्कार दोस्तों, मैं फरमान खान आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एमपीपीवी के ग्रुप थ्री सब इंजीनियर के क्वेश्चन पेपर को, जो 4 सितंबर 2018 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। पेपर में कुल 200 सवाल हैं, जिनमें से 100 क्वेश्चंस हमारे ट्रेड के हैं और बाकी 100 में मैथ, रीजनिंग, साइंस, हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो हम बात करेंगे केवल कंप्यूटर के क्वेश्चंस की। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010 में कर्सर के बाईं तरफ एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? बैक स्पेस बटन, एस्केप बटन, डिलीट बटन और एंड बटन। तो यहाँ पर कैरेक्टर को डिलीट करने के बारे में बात की गई है, और कैरेक्टर को डिलीट या तो बैक स्पेस बटन करता है या फिर डिलीट बटन करता है। अब यहाँ पर बोला गया कि बाईं तरफ, तो बाईं तरफ का काम कौन करेगा? बाईं तरफ का काम करेगा बैक स्पेस, डिलीट नहीं करेगा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा बैक स्पेस बटन। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। एमएस एक्सेल 2007 में कितने वर्कबुक व्यू उपलब्ध हैं? तो यह बोला गया है कि जब आप एमएस एक्सेल में 2007 में काम करेंगे तो व्यू ऑप्शन में जाकर, व्यू टैब में जाकर हमें कुल कितने वर्कबुक व्यू उपलब्ध होंगे? तो वहां पर हमें कुल 5 तरह के वर्कबुक व्यू उपलब्ध होते हैं। अब वो 5 तरह के कौन कौन से हैं? तो वो हमारा है नॉर्मल, पेज ब्रेक प्रीव्यू, पेज लेआउट व्यू, कस्टम व्यू और फुल स्क्रीन व्यू। अब यही क्वेश्चन अगर इस तरह से होता कि एम एस एक्सेल 2010 में या 2013 में, 2013 या 2016 में कितने व्यू उपलब्ध हैं, तो ये आंसर 4 लगाया जाता। मैं आपको दिखा देता हूँ अगर आप चाहें तो। यहाँ पर मैं खोल रहा हूँ सबसे पहले 2007 का, तो 2007 का मैंने खोल दिया, और अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, जिससे कि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकें। तो मैंने जूम कर दिया। अब जूम करने पर आप क्या देख रहे हो? तो यहाँ पर हमें दिखा व्यू में जाकर हमने वर्कबुक व्यू, नॉर्मल, पेज लेआउट, पेज ब्रेक प्रीव्यू, कस्टम व्यू और फुल स्क्रीन, ये कुल 5 व्यू हो जाते हैं। वहीं पर मैं अगर बात करूं 2016 वर्जन की, तो 2016 के वर्जन का इस्तेमाल करने पर आपने देखा, ये मैंने खोल दिया 2016 का वर्जन, और यहाँ पर आप देखो व्यू में कितने हैं, 1 2 3 4, यहाँ फुल स्क्रीन व्यू नहीं है। तो हमने देखा कि अगर 2007 के बारे में बात की गई है तो 5 व्यू आंसर लगाएंगे, और वहीं पर 2013 या 2016 के बारे में बात की गई है तो आंसर हमारा हो जाएगा 4 व्यू। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010 में कितने प्रकार के सेक्शन ब्रेक हैं? तो अगर आप 2010 चलाते हैं तो वहाँ पर सेक्शन ब्रेक हमें 4 तरह के मिलते हैं। और वो सेक्शन ब्रेक होते कितने, कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले होता है हमारा कंटिन्यूस, फिर होता है हमारा ऑड, फिर होता है हमारा इवन, और फिर होता है हमारा नेक्स्ट। यहाँ पर प्रीवियस नाम का सेक्शन ब्रेक नहीं होता। इसी से मिलते जुलता सवाल हमारे कुछ पिछले पेपरों में भी मिला हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पर भी करके दिखा देता हूँ कि एमएस वर्ड में एक्चुअली 4 सेक्शन ब्रेक होते भी हैं या नहीं होते। मैंने एमएस वर्ड एक्टिवेट कर लिया, एमएस वर्ड को एक्टिवेट करने के बाद मैंने इसे जूम कर लिया, और फिर मैं लेआउट में गया, और लेआउट में जाने के बाद मैंने क्या देखा, ब्रेक पर क्लिक किया। तो ब्रेक पर क्लिक करके आप देखो सेक्शन ब्रेक, नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूस, इवन और ऑड, यहाँ पर प्रीवियस नाम को आपने दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमने क्या देखा कि सेक्शन ब्रेक कितने होते हैं, 4 होते हैं। हम देख लेंगे कि व्यापम ने हमें सही किया भी है या नहीं किया। तो चलिए दोस्तों चेक कर लेते हैं, 4 आंसर लगा दें पहले, 4। अब देखते हैं व्यापम ने सही किया या गलत किया। तो हमने देखा कि व्यापम का आंसर भी यही है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, एम ए एन का पूर्ण रूप है, और यह चीज़ हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एम ए एन का पूरा नाम होता है मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, जो कि ऑप्शन 2 में दे रखा है, इसका आंसर हम 2 लगा देंगे। तो चलिए देख लेते हैं, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन, डेटा और प्रोग्राम कहाँ संग्रहित होते हैं जब इनका उपयोग प्रोसेसर के द्वारा किया जा रहा होता है? मतलब जब प्रोसेसर मेमोरी का यूज़ करता है तो वो मेमोरी कहाँ इस्तेमाल होती है? तो जब भी प्रोसेसर मेमोरी का इस्तेमाल करता है तो वह मेमोरी हमारी रहती है रैम में, जो कि मुख्य मेमोरी का एक उदाहरण है। अब हम देखते हैं ऑप्शन में मुख्य मेमोरी लिखा हुआ है या फिर रैम लिखा हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि मेन मेमोरी ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है, रैम तो है नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम चेक भी करेंगे, हमारा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, एमएस एक्सेल 2007 में चाइनीज सेल में एक चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? मतलब ये बोला गया है कि यदि आप एक वर्कशीट बनाना चाहते हैं तो वर्कशीट बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो एमएस एक्सेल में वर्कशीट को इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी होती है F11। हम देख लेंगे हम सही हैं या फिर गलत हैं, हमारा आंसर सही है। अगला क्या है, मैक्रो सक्षम एक्सेल 2010 टेम्पलेट फाइल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक्सटेंशन है? तो एक्सेल का एक्सटेंशन होता है .xlsx, लेकिन यहाँ पर दो टर्म और इस्तेमाल करेंगे, एक मैक्रो इनेबल और दूसरा टेम्पलेट। तो जब भी मैक्रो इनेबल आएगा तो m इंक्लूड हो जाएगा, साथ साथ टेम्पलेट में t इंक्लूड हो जाएगा, तो अब क्या होगा, एक्सेल
टी एम, जो कि पहले ही ऑप्शन है, तो हम लगा देते हैं ए। देख लेंगे हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अगला, एम एस वर्ड 2010 में न्यूनतम जूम प्रतिशत कौन सा है? तो जब भी आप एम एस वर्ड में काम करेंगे, चाहे कोई सा ही वर्जन हो, चाहे 10 हो, 13 हो, 16 हो या फिर 19 हो, तो वहाँ पर जूम परसेंटेज होता है 10 से लेकर 500, 10 मिनिमम और 500 मैक्सिमम। यहाँ मिनिमम पूछा हुआ है तो हम लगा देंगे 10। तीसरा देख लेते हैं, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब हम देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। अब निम्नलिखित में से कौन से एम एस वर्ड का संस्करण नहीं है? तो हम सभी जानते हैं कि एम एस वर्ड के जो प्रमुख संस्करण वो हैं 2003, 2007, 2010, 2013, 2016 और सबसे नवीनतम 2019। लेकिन 1900 नामक जो संस्करण आप देख रहे हो वो कभी नहीं आया, तो मेरे हिसाब से आंसर है चौथा। हम देख लेते हैं व्यापम ने सही किया या गलत किया, तो व्यापम ने बिल्कुल सही किया हुआ है हमारा आंसर। अगला, एम एस वर्ड 2007 में एक्शन कंट्रोल प्लस ओ डैश कार्य को करता है। तो कंट्रोल ओ प्लस होता है हमारा ओपन के लिए। अब यहाँ पर हमें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, ये सही ही होगा जो कि है। अगला, एम एस एक्सेल 2010 में गो टू डायलॉग बॉक्स के लिए शॉर्टकट कुंजी है। तो कंप्यूटर में जब भी आपको गो टू कमांड का इस्तेमाल करना है तो आप कंट्रोल प्लस जी का इस्तेमाल करते हैं। अब देख लेंगे हम आंसर, ये सही है। अब हम करेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। एम एस एक्सेल 2010 में अंतिम कमांड को रिवर्स करने है या आपके द्वारा टाइप की गई अंतिम एंट्री को उठाने के लिए निम्नलिखित शॉर्टकट कुंजी में कौन सी है? अब बोला गया हुआ अंतिम कमांड को रिवर्स करना, मतलब जो भी आपने किया था उसे उल्टाना है, और इस काम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अंडू, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जेड। हम देख लेते हैं हमारा लॉजिक सही है, बिल्कुल सही है। अब हम करने वाले हैं हमारा 13वां क्वेश्चन। एम एस वर्ड 2007 में विंडो और ऑर्फन नियंत्रण का कार्य क्या है? अब यहाँ विंडो नहीं होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था विडो। और कंप्यूटर में जब आप विडो और ऑर्फन कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं तो उसका मुख्य कार्य होता है पैराग्राफ को एक साथ रखना। मतलब जब भी आप किसी पैराग्राफ का, जब भी कोई पैराग्राफ एक से अधिक पेजेस में चला जाता है और आप उसे एक ही साथ रखना चाहते हैं, तो आप इन कमांड का इस्तेमाल करते हैं। अब ऑप्शन पढ़ लेंगे कि यह आपके पैराग्राफ एक साथ रखने की अनुमति देता है, यह आपको एक वाक्य बनाने की अनुमति देता है, यह आपको एक पैराग्राफ एक साथ रखने की अनुमति नहीं देता, ये आपको एक वाक्य बनाने की अनुमति नहीं देता। मैंने बताया हुआ है कि ये किसका काम करता है, पैराग्राफ को एक साथ रखने का काम करता है। तो मेरे हिसाब से आंसर है ए। हम देख लेते हैं व्यापम ने इसे सही माना भी है या नहीं माना। तो हमने देखा कि इसे सही माना गया है। तो हम देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन जो कि कैंसिल है यहाँ पर, लेकिन हम ये समझेंगे कि कैंसिल है तो क्यों है। तो एम एस वर्ड में फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? तो फाइंडिंग और रिप्लेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल एस, बिल्कुल से करते हैं। तो रिप्लेस डायलॉग बॉक्स के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स नहीं ओपन होगा। कंट्रोल शिफ्ट एफ नहीं होगा, कंट्रोल एफ का इस्तेमाल फाइंड के लिए करते हैं, इससे भी फाइंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो हम देख रहे हैं कि पहला और तीसरा दोनों ही आंसर है, मतलब मल्टीपल आंसर्स हैं, और इस वजह से इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया। तो दोस्तों ये हो जाते हैं हमारे कंप्यूटर क्वेश्चन खत्म। अगर आप इसी तरह की दूसरी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, साथ साथ उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो आप मुझे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आपको कोई कमी लगी हो या आप दूसरे पेपर को सॉल्व करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इसी तरह के एम एस वर्ड क्वेश्चन अगर आप टॉपिक वाइज करना चाहते हैं या नेटवर्किंग क्वेश्चन टॉपिक वाइज करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।